आम ऑडियंस को अपने दूसरे रमदान डेली रमदान पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। मेरे साथ ये जरा ऑफ कर दें, स्क्रीन ऑफ कर दें। 5:30 हो गया, हम अपना प्रोग्राम का आगाज करेंगे इंशाल्लाह। हमजा भाई स्क्रीन को भी ऑफ कर दें, अगर आप स्क्रीन शेयर बंद कर दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने सेकंड पॉडकास्ट डेली पॉडकास्ट रमदान में आप सबको वेलकम करते हैं। हमारे साथ माशाल्लाह कल पूरा वक्त शोएब भाई ऑडियंस हमारे साथ रही, हमें बड़ा अच्छा भी लगा। और आज मैंने हमारे साथ शोएब बदर भाई मौजूद हैं। डॉक्टर फरुख जो हैं वो उमरा की अदायगी के लिए खाना काबा में मौजूद हैं। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम उनको अपने साथ लाइव लें, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ ज़रूर आएँ। वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका मैसेज आ रहा है कि वहाँ पे कुछ इस वक्त कनेक्टिविटी का इशू है, वो हमें ज्वाइन नहीं कर सक रहे। तो शोएब भाई हम प्रोग्राम को लेके चलें यहाँ से आगे? बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, आज अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, दूसरा रोजा है और जो है वो अल्लाह का शुक्र आफियत के साथ ये रोजा रखने की तौफीक अता फरमाई। आगे बढ़े महमूद भाई, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया शोएब भाई। सच्ची बात है शोएब भाई, बड़ा बड़ा दिल कर रहा था कि हम डॉक्टर साहब को, डॉक्टर फारूक साहब को देखें, खाना काबा में मौजूद हैं, उनके मनाजिर देखें वहाँ के इस वक्त, उनसे अपने लिए खसूसी दुआओं के लिए कहें, अपने लिए भी कहें, अपने ऑडियंस के लिए भी कहें। लेकिन जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे हम उनसे ज़रूर बात भी करेंगे। शोएब भाई कल जैसे हमने पहला सिपारा कवर किया और पहले सिपारे में हमने कुछ खास अल्लाह ताला के हदायात पे बातचीत रखी, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप उसको रिकैप कर दें ताकि ऑडियंस के जहन में पहले सिपारे के जो हमारा कल का मैसेज था वो भी आ जाए और फिर हम उसी के तसलसल में दूसरे पारे को आगे लेके चले। जी हमने जो कल बात की थी ना महमूद भाई, वो हिदायत के उन्मान के पे की थी ना, हिदायत गाइडेंस क्या चीज होती है, और उस तनाजु में हमने ये बात की थी कि गाइडेंस जो होती है, हिदायत भी कीमती चीज है, तो बड़ा संभाल कर रखना चाहिए, ये छिन भी सकती है। और पीछे गैर मखदूब अलैहिम वल दौलीन वाली जो सूरत फातिहा की आयत है उसमें पता चल गया कि कुछ लोग जो है कुछ जानबूझ के हिदायत को छोड़ देते हैं और कुछ से जो है वो ऐसी हाथ से निकल जाती है, गलती से वो अपनी जो है वो हिदायत से महरूम हो जाते हैं। तो हमें हिदायत को बचाना भी है और हिदायत को बढ़ाना भी है, हिदायत को इजाफा भी करना है, ये दोनों चैलेंजेस हमारे सामने हैं। कल हमने एक और बात की थी कि शैतान जो था उसने हिदायत से कैसे महरूम हुआ ना, उसके अंदर हमने एक बात नहीं की, उसको आज जो है वो हमें कर लेना मुनासिब होगा कि शैतान ने एक हुक्म पाने से इनकार किया था। वो हुक्म क्या था कि आदम अलैहिस्सलाम, बिल्कुल बिल्कुल उसने सजदे से इनकार किया था, एक सजदे से इनकार किया था, एक सजदे से इनकार किया। हमारे भाई मुसलमान भाई रोजाना न जाने कितने सजदों से इनकार करते हैं, शैतान उस एक सजदे से इनकार करने के नतीजे में अर्श से फर्श पर मारा गया, आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया। और हम अपने आप के मुताबिक सोचते ही नहीं कि हम न जाने कितनी फर्ज नमाजों को छोड़ रहे हैं, कितना बड़ा आलमी है ना। तो आप व्यूअर्स जो जितने भी हैं अपने अतराफ में जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करें कि इस नमाज की बड़ी वैल्यू है। तो ना इस तरह से शोएब जो बात हमें समझ आती है वो तो फिर ये आती है कि हमारी जो मामलात हैं वो बड़े खालिस होने चाहिए, यही बात समझ आती है ना फिर। मतलब जैसे दूध है, दूध आपके सामने एक आदमी मिलावट शुदा और एक जो है प्योर दूध बेच रहा है, आप कौन सा दूध लेंगे? यकीनन प्योर लेंगे ना। अगर आप सोने की मिसाल लें तो फिर सोने में तो कोई भी खोटा सोना नहीं लेना चाहेगा, हर एक तो बिल्कुल। क्या अल्लाह ताला ऐसे दो नंबर किस्म के ईमान को तस्लीम करेंगे, ऐसे लोग जो कि हिदायत पर जो है मुकम्मल तौर पर कायम ना हो, बस चाम चला रहे हो? अल्लाह ताला भी यकीनन बेस्ट ऑफ द बेस्ट, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, ऐसे लोगों को लेना पसंद करेंगे ना। जब हमारे क्वालिटी का स्टैंडर्ड इतना ज्यादा है तो अल्लाह ताला की क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या होगा? ताहम अल्लाह का एहसान है कि अगर हम तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें प्योर कर देंगे, हमारा तस्किया कर देंगे और फिर हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्कुल आपने शोएब भाई जबरदस्त बात की, मुझे बल्कि कल ही जब मैं दूसरा सिपारा पढ़ रहा था और जब मैं उस एक आयत पे पहुंचता हूँ जो 177 नंबर 177 सूरह बकरा की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ना नेकी का तसव्वुर बताता है, यानी कि जो आपने प्योरेस्ट की बात की, अल्लाह ताला को भी अपने बंदों से ना प्योर बंदे, मतलब वो लोग जो नेकी करें तो फिर प्योर अल्लाह के लिए करें, अल्लाह की खातिर करें, अल्लाह पे ईमान के साथ करें। मैं ये जरूर चाहूंगा शोएब भाई अगर आप इजाजत दें कि 177 आयत का तर्जुमा जरूर लोगों के सामने रखूं, जैसे वो अगर आप मैं इसको बिल्कुल इस आयत पे जो शुरू में अल्लाह ताला जब कहता है, ये आयत मुझे यकीन है कि हमारे ऑडियंस सबने सुनी भी होगी, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू
यहां से आयत शुरू होती है और अल्लाह ताला इसमें खालिद कहता है कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक की तरफ, तुमने अपने चेहरे मशरिक की तरफ कर लिए या मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को, यौम आखर और मलाइका को और अल्लाह की नाजिल की हुई किताबों और पैगंबरों को दिल से माने। अच्छा, यहां तक ना अल्लाह ताला नेकी का तसव्वुर वो बताते हैं जिसमें हुकूकुल अल्लाह की बात कर रही, लेकिन यहां से नेकी का तसव्वुर हुकूकुल इबाद की तरफ टर्न हो जाता है, जहां पे यानी इसका मतलब ये है, और जहां अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल रिश्तेदारों, यतीमों, मस्किनों और मुसाफरों पर और मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और गुलामों की रहाई पर खर्च करे। खालिस्तन हुकूकुल इबाद की बात, पहले हुकूकुल अल्लाह की बात और यहाँ हुकूकुल इबाद की बात, लेकिन इसके बाद अल्लाह ताला दोबारा बंदे की तरफ आते हैं और कहते हैं कि नमाज कायम करे और जकात दे, और नेक लोग तो वो हैं नंबर तीन के जब वो अहद करें तो उसे वफा करें। यानी कितनी खूबसूरत अमलियात की बात कर दी साहिब ने, और इसके बाद अल्लाह ताला इख्तिताम में क्या कह रहे हैं, और तंगी और मुसीबत के वक्त में और हक को बातिल की जंग में सबर सबर करे, ये हैं रास्तबाज लोग और यही लोग मुत्तकी हैं। शोबे कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने इस पूरी आयत में, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि 177 आयत है सूरह बकरा की, आप जरूर इसको इसको स्टडी करें, इसको मुताला करें, इसको गहराई से समझें कि अल्लाह ताला ने इंसान की खालिस्ता नहीं की, वही जो हम सच्चे और खोटे की बात कर रहे थे, या अल्लाह ताला ने सच्चे और खोटे का फर्क निकाल दिया कि भाई सच्चा वो है जो ईमानियात में ईमान लाएगा दिल से, जो हुकूक बात पूरा करेगा और लोगों के साथ अहद करेगा तो पूरा करेगा और हक को बातिल की जंग में सबर करेगा। तो शोएब भाई मैंने जब ये आयत पढ़ी तो मुझे लगा कि जैसे ये आयत मेरे लिए उतरी है और हमें तो इसके अंदर खो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, असल में प्रॉब्लम ये है कि इसको आयत बिर कहते हैं ना, नेकी वाली आयत ना, ये नेकी कंप्लीशन वाली आयत है। नेकी जो है वो एक ऐसी चीज है कि जो मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ मायने रखती है। मसलन कुरानी के अंदर आप देखेंगे कि मुशरिकीन मक्का या मुशरिकीन अरब, उनका नेकी का तस्वुर बड़ा महदूद था, रिचुअल बेस्ड था। मसलन मैं आपके सामने मिसाल रखूं, अगर ये उम्र के लिए आराम बांध लेते थे और घर से निकल गए, अब उम्र के लिए जा रहे हैं, अचानक उन्हें याद आया घर में तो यार ये चीज रह गई, वापस आना है। अब इनके नजदीक नेकी ये थी कि घर में अब सामने जो घर का दरवाजा है उससे दाखिल नहीं होंगे, बल्कि पीछे जो बैक में खिड़की होगी उससे दाखिल होंगे, ये उनके नजदीक नेकी थी। उमरा कर लिया वापस आए तो अपने घर के दरवाजे से दाखिल नहीं होंगे, बल्कि बैक एंड पे जो खिड़की होगी उससे दाखिल होंगे, आज फलांग कर जाएंगे दरवाजे से दाखिल नहीं होंगे। ये नेकी के बड़े ही टूटे फूटे तस्वर है, और इस जैसे और ना जाने कितने तस्वर आते हैं जो रिचुअल बेस्ड होते हैं, ये एक बड़ा मसला है। अब इन नेकी के तस्वर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरुस्त कराना था कि भाई इन किन चक्रों में पड़ गए, तो मशरिक को देखते हो, मगरिब को देखते हो, इसको कहते हो इस तरफ कर दिया नेकी, भाई क़िबले की तरफ नेकी रुख करके नमाज पढ़ना है, यकीनन नेकी है, सिर्फ ये नेकी का हिस्सा है, लेकिन कुछ ऐसे अमाल खुद मनगढ़ंत अमाल को नेकी बना देना बड़ी ज्यादती वाली बात है। तो आया बेर जो है ना असल में पूरे लैंडस्केप को नेकी के बयान करती है। शोबे ऐसा नहीं लग रहा कि आयत बिर के अंदर अल्लाह ताला वो जो रहबाना तस्वर था नेकी का उसको बिल्कुल उसको निगेट करते हैं पूरी आयत में, कहीं ऐसा नहीं हमें पूरा महसूस होता? देखिए ना, ये बिल्कुल ऐसी बात है, हमारे लिटरेचर के अंदर जो है ना एक कहानी है जिस हदीका नामी किताब के अंदर, जिसके अंदर शहर गौर है, जिसके अंदर सारे के सारे लोग जो है वो क्या है, अंधे हैं, और उन्होंने किसी जमाने में उनकी बिनाई थी तो कुछ कॉन्सेप्ट का इदराक रखते हैं। वहां पर एक हाथी आ जाता है ना, तो हाथी को जो है वो सुनते हैं, अच्छा कोई हाथी ना भी मखलूक आई, सारे के सारे समझने के लिए दौड़ते हैं कि हाथी क्या है, तो देखते तो नहीं है, तो टच की बुनियाद पर वो समझने की कोशिश करते हैं हाथी को, किसी के हाथ में जो है ना वो हाथी की दुम आती है, कहते हैं हाथी सांप की तरह है, किसी के हाथ में जो है वो हाथी की जो है ना वो सूंड आती है कि हाथी रस्सी की तरह है, किसी के हाथ में हाथी का पांव आता है कहते हैं हाथी पिलर की तरह है, किसी के हाथ में हाथी के कान आते हैं तो कहते हैं कि हाथी जो है वो पंखे की तरह है, किसी के हाथ में जो है वो हाथी का दांत आता है तो कहते हैं हाथी खंजर की तरह है, जितने वो उतनी बातें। नेकी के हवाले से भी यही मामला है, आपने नेकी का रहबाना तसव्वुर की बात की ना, नेकी का रहबाना तसव्वुर क्या है कि भाई अल्लाह को खुश करना है तो गारों में निकल जाओ, जंगलों में निकल जाओ, और जो है वो क्या करो, जंगलों में निकलकर अल्लाह करो, तो ये जो है वो नेकी है। अब आप मुझे बताइए कि जो आपने अभी नेकी की आयत बिर में बयान की तारीफ, तो उसके अंदर जो दूसरी जो शिक है ईमानियात के बाद, वो तो ये कि माल को खर्च करें रिश्तेदारों पर, फलां पर, फलां पर, फलां पर, ये बंदा जो आयत जो राहबाना तसव्वुर रखने वाला जंगलों में निकल जाने वाला है, क्या ये काम करे? इसको तो खिलाने के लिए दूसरों को आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कुछ कमा भी नहीं रहा, तो ये जो तसव्वुर तो इस आयत से कैंसिल हो जाता है। बिल्कुल, आपने बहुत जबरदस्त यहाँ पे ये बात रखी। अच्छा, एक नेकी का एक और तसव्वुर हमारे यहाँ बड़ा राइज है जिसको हम ये समझते हैं, जो रॉबिन हुड से हमने हमेशा अख़्ज़ किया, तो मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ शामिल हैं,
आप जरा उस पर भी बच्चों की रहनुमाई करें कि ये कॉन्सेप्ट क्या है रॉबिन हुड का, कि आप अमीरों से ले लो, छीन लो और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या ये नेकी का भी कॉन्सेप्ट है? हाँ, बस असल में बात है कि नेकी जो है ना वो दो चीजें होती है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोडक्ट होती है ना। एक प्रोसेस को भी सही होना चाहिए और बिलाखिर इसके लिए अंग्रेजी में लफ्ज होता है एंड जस्टिफाइज द मीन, ऐसी जो है ना तस्वीर होता है कि आखिर में जो हो अगर वो अच्छा है तो इसका मतलब दरमियान में जो काम किए गए वो भी सही हो गए। तो अगर मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँ तो गरीबों की मदद जो है वो मुझे अपने पैसे से करनी चाहिए ना। मैं दूसरों के माल को लूटूं चाहे वो जालिम हो, लेकिन मुझे किसने इस बात का इस्तेहकाम दिया कि मैं दूसरों का माल लूटूं? तो रॉबिन हुड का फिनोमेना भी जो है ना वो नेकी के मयार पर पूरी नहीं उतरता। मोमिन जो है वो असूलों की बुनियाद पर उसके पास जो मौजूद वसाइल है उससे मदद कर सकता है, अगर वो नहीं है तो नहीं करे। जिस तरह हज है, हज अगर मैं मेरी इस्तेदाद थी तो मैं हज नहीं करूंगा ना, ये तो नहीं करूंगा कि भाई मैं दूसरों से पैसे लूट कर अमीरों से और हज करने के लिए लोगों को भेजना शुरू कर दूं। तो मैं अपनी जो है वो लिमिट्स के अंदर रहते हुए ये करूंगा। आजकल जो है और तस्वर है जिसके मुताबिक आपने रॉबिन हुड वाली तो बात कर दी, एक है सेकुलर दीन का जदीद, ये नेकी का जदीद तस्वर ना, इसके अंदर कहते हैं कि जो अकल जिसको अपील करे ना कि ये अच्छा काम है तो ये नेकी होती है। अच्छा, इसके अंदर एक और तस्वर जो है ना वो जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि अकल मजहब मिक्स। ऐसे लोग जो है जो मजहबी होते हैं लेकिन अकल को भी बड़ी फोकियत देते हैं, वो क्या कहते हैं, भाई साहब हकूकुल्लाह असल चीज है, नहीं हकूकुल्लाह नहीं, हकूकुल इबाद असल चीज है, हकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ कर देगा, तुम्हारी अपनी किताबों में लिखा हुआ है। तो हकूकुल इबाद अगर कोई फर्द अदा कर दे तो वो असल में नेकी कर रहा है, हकूकुल्लाह तो जो है वो अल्लाह ताला बाद में माफी कर देंगे। तो ये भी एक नेकी का तसव्वुर है, जो कि जिस तरह जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतने हाथों हाथी का तसव्वुर, इसी तरह जो है वो नेकी के तसव्वुर भी मौजूद है। आप मुझे बताइए कि ये अकल को अपील करने वाला है? शोभा जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मेरे ख्याल के बच्चे जो हमारे साथ यंगस्टर्स मौजूद हैं, ये उनको समझाने की बहुत ही अहम बात है कि इस कॉन्सेप्ट को हमारी यूथ के अंदर बहुत जो है ना पेनिट्रेट किया गया है कि भाई आप लोगों की हेल्प कर दें, लोगों के साथ की मदद कर दें, बस यही सारा का दीन है। तो ये बात बड़ी अहम और समझने की है कि जहां अल्लाह ताला आयत बिर में 177 में बात करते हैं, वहां सबसे पहले अल्लाह पर ईमान, दिल से ईमान लाने की बात करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जब तुमने तुम दिल से ईमान ले आए तो फिर तुम्हारी जितने अमल हैं, यकीनन वो अच्छे अमल हैं और उन पर अमल करना है, लेकिन जब दिल से फिर से ईमान लाएंगे तो उनका जो असल में आपको जो फायदा क्यामत वाले दिन है वो तभी होगा जब आप अल्लाह पर दिल से और अल्लाह की पूरी ईमानियात पर दिल से ईमान लाए होंगे। तो ये बच्चों के लिए समझाने। अच्छा, एक और बात बड़ी अहम है कि जो अल्लाह ताला इस पूरी आयत बिर में करते हैं कि जब अल्लाह कहते हैं और नेक लोग वो हैं जब अहद करें तो उसे वफा करें और तंगी और मुसीबत के वक्त हक को बातिल की जंग में सबर करें। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या दिया जा रहा है यहाँ पे कि भाई नेकी ये है कि जब तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ, लोगों की मदद करने लग जाओ, वेलफेयर के काम करने लग जाओ और इसमें आगे बढ़ते चले जाओ, भाई एक और काम भी बहुत अहम करने का है और वो तुम्हारी जात से रिलेटेड है। नमाजें मौजूद, जकात मौजूद, लेकिन जब तुम लोगों से अहद करो, कुछ प्रॉमिस कर लो तो उसको उसे फिरना नहीं है, उसे पूरा करना है। और इसके साथ साथ फिर आपको हक और बातिल की जंग में सबर भी करना है। लेकिन सबर कैसे होगा मुझे बताइए, हक और बातिल की जंग में कुछ साथ देंगे तो सबर होगा या बस हम सबर करके बैठ गए? शोभा जी, इस पर नजर डालें। असल में नेकी के मुताबिक जो तसव्वुर है वो है कि नेकी बेजरर होती है, यानी कि उसका काम पॉजिटिव ही है ना। मतलब देखें, बकरा ईद आएगी तो हम कुर्बानी करेंगे ना, तो कुर्बानी एक ऐन नेकी है, ठीक है। आपने जानवर को जबा किया और अल्लाह की खातिर किया, ये भी एक नेकी है, इसके अंदर खून बहा जा रहा है। इसी तरह जो है हक़ो बातिल, जब हक़ो बातिल की जंग होगी तो उसमें यकीनन खून बहेगा, दुश्मन हमारा खून बहेगा, हम दुश्मन का खून बहेंगे। अगर हमारा खून बहेगा तो हम शहीद हो जाएंगे, अगर हम दुश्मन का खून बहाकर कामयाब होंगे तो हम गाजी होंगे। लेकिन जो है वो इस जंग के अंदर बहरहाल बड़ी तकलीफ होती है, उस तकलीफ के अंदर जो है वो सबर करना बड़ी अहम बात है। तो ये बेसब्री अगर उस मौके पर दिखाई गई तो ये भी नेकी से, नेकी के डोमेन से हम आउट हो जाएंगे, नेकी के जो इस पूरा जो स्कोप है ना उसमें हम नहीं रहेंगे। मगर ये जो आखिरी जुमले है ना, ये नेकी के तसव्वुरात के अंदर होते ही नहीं है। नेकी को नाफिस करने के लिए जंग भी नेकी है, ये भी बड़ा अहम इशू है जिसको हमें याद रखना चाहिए। असल जो बात हमें समझ आती है, अगर हम अपने सर्कमस्टांसिस में देखें तो ऑब्वियसली कोई जंग का मामला तो ऐसा नहीं है, कोई जहाद नहीं है, लेकिन हमारे पास हर वक्त एक जद्दोजहद मौजूद है कि जो हम शहादत हक के लिए कर सकते हैं, अल्लाह की जो गवाही हमारे तक पहुंची है, अल्लाह की जो सच्ची बात हमारे तक पहुंची है, हम वो आगे लोगों तक पहुंचाएं। और अगर किसी को अपने साथी को, अपने साथ वाले दोस्त को, किसी नेबर को अगर वो हक की बात ना करते हुए देखें तो उसे समझाएं। तो आपका इस बारे में शोभा जी आप क्या कहते हैं कि ये शहादत हक का जो फरीजा है? अच्छा, ये भी मजे की बात है कि ये सूरे हमारा जो दूसरा पारा है उसकी आयत नंबर 143 में अल्लाह ताला इसको बयान करते हैं और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं
कि, और मैं तर्जुमा रख देता हूँ, आप इंशाल्लाह इसको आगे बात बढ़ाइएगा, कि और इस तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मते वस्त बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। यानी कितनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने यहाँ एक शहादत हक का और शहादत देने का जो फरीजा है और जो क्यामत वाले दिन एक दूसरे की गवाही का जो मामला होगा उम्मतों का, वो बयान दिया। शोबे, आप इस तराजर में क्या, किस तरह से हमें बच्चों की रहनुमाई करेंगे? देखिए, ये बताते खुद जो है शहादत हक खत्म नबूवत का तकाजा है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, खातिमुन नबीयीन हैं। आपने पूरी इंसानियत जो कयामत तक है उन सबके, यानी कि आप नबी हैं फाइनल, और आपकी शरीयत जो है वो उस पूरी इंसानियत की शरीयत है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला के पास चले गए, तो उसके बाद उनका फरीजा कौन अंजाम देगा? इशू इन हैंड ये है। तो जो उम्मत मुस्लिमा है, अब वो टॉर्च बीयरर है, जो मशाल बरदार है उस मैगाम की, उस मैसेज की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। अल्लाह के नबी हम पर कहा है कि मैंने तुम तक पहुंचा दिया, और हम अब दूसरी उम्मतों तक जो है वो पैगाम पहुंचाने के गवाह। अच्छा, मैं आपको बताऊं, गवाही बड़ी अहम चीज होती है। मैं गवाही अगर छुपाई जाए तो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, इसको कतमाने हक कहते हैं। अगर हक की बात फर्ज करें, एक आदमी है वो दूसरे आदमी को जो है उसका मोबाइल स्नैच कर रहा है ना, और मैं विटनेस हूं कि इस आदमी ने इस आदमी का मोबाइल को स्नैच किया। अब पुलिस प्रोसीजर से बात, उस आदमी को गिरफ्तार करने में कामयाब होती है जिसने मोबाइल स्नैच किया, मगर उसके पास एविडेंस नहीं है पुलिस के पास ना कि कहां वो बोला मैंने तो नहीं किया, मैं विटनेस हूं ना। अब वो पुलिस मेरे पास आई और उसने कहा कि, उसने पूछा कि भाई क्या इन्होंने स्नैच किया? मैं उस ओकेजन पर मौजूद था, मैं विटनेस था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने गवाही को छुपा दिया। तो गवाही को छुपाना जो है ना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। हक की गवाही को छुपाना तो और भी बड़ा जुर्म है, ये भी एक अहम चीज है। लेकिन अगर मैं उस मरहले पर जब लोग डिसीजन कर रहे हों कि मैं अल्लाह ताला की कौन सा पैगाम सच्चा है, उस वक्त अगर मैं गवाही ना दूं तो क्या होगा? वो आदमी हो सकता है कि जो है वो हक से महरूम हो जाए। आजकल जो है ना, वो आपको पता है कि ऑनलाइन से शॉपिंग का बड़ा दौर है ना, अमेजोन पर है, नून, booking.com। अब अमेजोन पे मैं एक प्रोडक्ट खरीदने गया, जब मैंने प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश की तो आपको पता है ना कि मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट को सिर्फ नहीं देखता बल्कि उसके नीचे कमेंट्स को भी देखता हूँ जो पुराने बायर्स के होते हैं। अगर बायर कहता है वंडरफुल, थम्स अप, तो मैं कहता हूँ यार ये प्रोडक्ट तो है अच्छी, सारे लोग इसको अच्छा कह रहे हैं, तो मैं पिछले बायर्स की गवाही को देखते हुए उस प्रोडक्ट को खरीदने का फैसला करता हूँ। booking.com पे जाता हूँ, अच्छा मदीना जाना है, ये वाला होटल लेता हूँ, ये होटल कैसा है, किराए तो इसके कम है। कमेंट्स में क्या, उसने कहा भाई इसकी बाथरूम खराब है, इसका फ्लश नहीं चलता, इसके जो है वर्कर सही नहीं है। मैं बोलता हूँ यार सस्ता तो है लेकिन इसकी सर्विसेज अच्छा नहीं है। तो इन लोगों की गवाही की बुनियाद पर मैं booking.com पर वो होटल बुक नहीं करता। तो ये लाइक्स हैं मेरे, मेरे थम्स अप हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, गवाहियां हैं, और इन गवाहियों की बुनियाद पर डिसीजन होते हैं। शोभा भाई, आजकल तो हम इस बात को बहुत प्रेफर करते हैं कि जब भी कोई चीज खरीदने जाएं, कुछ लेने जाएं, तो लोगों के कमेंट्स पढ़ लें, लोगों को देख लें उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उस पर हम अपनी उनकी शहादत के ऊपर उस चीज को बाय या सेल कर लें। तो ये हमारे आम रवैये में तो ये चीज मौजूद है। तो जो हमारा जो दीन का पूरा मेयार है इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है कि हम जब भी कोई हमारे साथ आगे, हमारे दोस्त, कोई अहबाब, कोई हमारे फैमिली मेंबर जब कोई बात कर रहे हो और दीन की बात हो, तो हम इसको समझें कि इसकी दीन के साथ रेलेवेंस क्या है, दीन की, और उसकी शहादत में अगर उसकी बात ठीक है, उसके साथ खड़े हो जाएं, तो क्या उसके साथ खड़े होना ये भी शहादत है हक? बिल्कुल बिल्कुल। एक बंदा अल्लाह की राह में खड़ा हुआ और वो लोगों को पैगाम पहुंचा रहा है, तो उसकी मदद करना हम पर फर्ज है, ताकि जो है वो उसके हाथ जो है बाजू और जो है वो मजबूत हो। देखिये प्रॉब्लम जो है वो ये है कि पूरा जो सेटअप है ना, वो पूरा हम नमाज कैसे पढ़ते हैं, बाजमात पढ़ते हैं, रोजा एक वक्त में रखते हैं, हज एक जमात की एक्सरसाइज है, ज़कात इज्तमाईयत के लिए। तो ये जो काम है शहादत हक का, ये भी जमात के साथ होगा, एक बिल्कुल जो है वो ऑर्गेनाइज सेटअप के तहत होगा। इस ऑर्गेनाइज सेटअप के लिए जो है ना, वो क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये ऑर्गेनाइज सेटअप जो है ना, वो इल्मी तौर पर या पूरा जो है ना सही तरह साबित करे कि इस्लाम दीन हक है, और अमली तौर पर भी करे। मसलन मैं जब जापान में था ना, मैं PhD करने जब जापान गया, तो वहां पर जो है मुझे एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। मैं जापानियों को, मैं चाहता था कि जापानियों को दीन इस्लाम की दावत दूं ना, लेकिन जब मैं दीन इस्लाम की दावत देने की कोशिश करता था कि इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम के जरिए आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, तो जापानी मुझे सर से लेकर पैर तक देखते थे। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं है, पाकिस्तान का चैन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बदमनी है, मोहब्बतें नहीं है। तो जब बैकएंड पे मेरे सिस्टम्स खराब है और मैं आगे जाकर जो है उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो शहादत हक के अंदर जो है वो ना सिर्फ ये कि जबान से अच्छी है भाई ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, मुझे अमल से भी साबित करना है कि ये अच्छा सिस्टम है। अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं शहादत हक नहीं दूंगा, बल्कि उल्टा शहादत हक के खिलाफ
हक के खिलाफ जो गवाह बन जाऊंगा मैं, मेरे मेरे को लेकर बोलेंगे कि मैं इस्लाम से पना मांगता हूँ, लोग बोलेंगे इस तरह की बात करेंगे, और आजकल ये कर रहे हैं लोग। शोभा आपने बड़ी बड़ी जबरदस्त बात की। अब शहादत हक में जहां हमें एक इजी वे आउट नजर आता है कि लोग, ये भी मुझे एक इजी वे आउट है कि लोग अगर हक की बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, तो आप उनका साथ देते हैं, उनके उनका कहते हैं हाँ ये अच्छी बात कर रहा है, और आप भी अच्छी बातें करने लग जाएं। लेकिन ये हमें समझाएं कि क्या शहादत हक के अंदर क्या ये बात भी शामिल है कि अगर कोई सही बात ना कर रहा हो या कुछ गलत कर रहा हो और उसे पूरी सोसाइटी का नुकसान, यकीनन दीन के बारे में अगर कोई गलत कर रहा है तो पूरे पूरे उम्मत मुस्लिमा का नुकसान होगा, तो क्या उसको समझाना, उसको रोकना, क्या ये भी शहादत हक में शामिल है? देखिए जो शहादत हक उम्मत पर वाजिब है ना, वो है कि दीगर अकवाम को जो है ना वो सब कुछ समझाए इल्मी तौर पर, और अगर बाद में लड़ाई की कभी नौबत है तो वो भी करे। लेकिन ये उम्मत जो है, अगर ये खुद मरीज बन जाए, यानी कि जो डॉक्टर है, हमारी उम्मत एक डॉक्टर है और दीगर कौमें यहूदी ईसाई ये सारे मरीज हैं, डॉक्टर की जिम्मेदारी ये है कि इनको इनकी शिफा का कोई बंदोबस्त करे, इनको दवाई दे। मगर फर्ज करें डॉक्टर खुद बीमार होने लग जाए तो फिर क्या होगा? ये पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त बीमार है ना हक के हवाले से, तो इसके अंदर, इस उम्मत के अंदर एक और उम्मत होनी चाहिए जो कि नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, अमर बिल मालूम है मुनकर का हुक्म दे। ये जो काम फरीजा अंजाम देने वाले हैं, ये लोग जो है वो इनकी जिम्मेदारी है कि अगर इनके पास ताकत हो, ये लोगों को हाथ से पकड़ कर रोके, अगर उनके पास हाथ से पकड़ने की ताकत ना हो तो जबान से रोके, वरना दिल से प्लान करें कि जो है किस तरह इस खराब काम को रोका जा सकता है। मैं इसकी मिसाल दूं, नुमान बिन बशीर से एक रिवायत हमारे पास आती है, एक जो है वो कश्ती थी, सफीना था, जो डबल स्टोरी था। अमूमी तौर पर ना अपर स्टोरी पर लोग जो है रहना पसंद करते हैं, नीचे वाली स्टोरी पर जो है ना, क्योंकि समंदर की सतह पे होती है बिल्कुल, तो उस पे जो है वो लोग रहना पसंद नहीं करते। कुरानदाजी हुई, कुरानदाजी में बाज लोग नीचे चले गए और बाज लोग ऊपर चले गए। अब जब जब पानी की जरूरत पड़ती थी तो जो है वो नीचे वाले लोगों को ऊपर जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, तो लोगों ने कहा कि हम जो है डिस्टर्ब करते हैं ऊपर वालों को, हमें डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, बल्कि पेंदे के अंदर सुराख कर देते हैं और अंदर ही से पानी जो है वो दरिया का आएगा और हम पानी पी लेंगे। अब अगर ऊपर वाले लोगों को ये इतला मिले कि नीचे वाले लोगों ने हमारी मोहब्बत के अंदर नीचे पेंदे में सुराख कर रहे हैं ताकि हमें परेशानी ना हो, तो गए काम से, सब गए काम से। ऊपर वालों की जिम्मेदारी है कि नीचे आकर उनका हाथ पकड़ लें और कहें कि क्या भाई भरवाने वाले काम क्यों कर रहे हो, हम पानी का आपको बंदोबस्त कर देंगे, आप पुकारना मैं पानी खुद लेकर आ जाऊंगा। ये जो आइडिया है बुराई से रोकने का, इसी में लोग नाराज होते हैं, और इसी वजह से कहा गया नेकी की आयत में कि जो है वो ये आया देर के हक और बातिल की जंग में साबिर होते हैं। बाद लोगों को ये पसंद नहीं होता कि उनको गलत काम करते हुए कोई टोके, उनको रोके ना। मेरे ख्याल में बहुत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुझे तो बात समझ भी आई, और शोभा भाई बड़ी अच्छी भी लगी कि जो आयते बिल हम लेके चल रहे हैं उसमें जो आखिरी हमें जो जो हमारा जो आयत का जो आखिरी हिस्सा है जिसके अंदर तंगी और मुसीबत के वक्त में और हक और बातिल की जंग में सबर, ये बहुत बड़ा हमें लीड करता है इस तरफ के जो शहादत हक का पूरा फरीजा है जो मुसलमानों को हमें दिया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, कोई नबी उनके बाद नहीं आना, उनके बाद जो शहादत हक का मरहला है और जो जो काम है वो तो हमारे उम्मत वस्त हमें दे दिया गया, अब हमें इस पे गवाह बना दिया गया कि भाई हमने काम सही किया तो अल्लाह के रसूल हमारी गवाही देंगे, और अगर हमने काम सही नहीं किया हमारे ऊपर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह होंगे उस वक्त। तो हमारा करने का जो ये काम है इस वक्त, ये कितना अहम है कि हम शहादत हक को सही तरीके से समझ लें, और उसमें यही जो आपने बात की अभी कश्ती वाली, अगर हम असाबे सब्त वाली बात करें जो बनी इसराइल के बारे में कुरान अल्लाह ताला बताते हैं कि भाई सारी कौम को रोका गया कि तुमने सब्त वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी, और लोगों ने पकड़नी शुरू की, कुछ लोगों ने रोकी, उन्हें रोका वो बच गए, और जिन्होंने नहीं रोका वो सारे अल्लाह ताला ने उनको अपने अजाब में मुब्तला कर दिया। तो ये बात उसके अंदर ये हफ्ते के दिन जब मना किया गया तो अल्लाह ताला ने भी उनकी आजमाइश की ना, मछलियां उभर उभर के उछल उछल के आती थी, उन्होंने कहा आप अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कुछ कर पकड़ना नहीं है, उन्होंने नालियां बनाई, मछलियां उन नालियों में आती थी और अंदर घुसती थी तो वो उन नालियों को रास्ते को ब्लॉक कर देते थे, इतवार के दिन पकड़ते थे, हीला कर लिया उन्होंने, एक वर्क अराउंड कर लिया, मगर वर्क अराउंड भी मजाक था ना, अल्लाह ताला ने उस वक्त ये नहीं कहा था कि तुम नालियां बनाकर इस तरह स्टोर कर लो फिर इतवार को पकड़ लो। तो फिर जो है तकसीम हो गई उम्मत 3 हिस्सों में, एक तो बिल्कुल यही कर रहा था हीलेबाजी करके जो है वो मछलियों को पकड़ रहा था इतवार के दिन, एक कह रहा था खामोशी से कि ठीक है यार इन्होंने कुछ किया है सेटअप किया है करने दो इनको, तीसरा जो है वो ये कह रहा था कि नहीं जनाब हम ये नहीं होने देंगे, ये अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। तो जो खामोश थे उन्होंने कहा भाई क्या मसला है आपको, आप क्यों लगे हुए इन लोगों को रोकने के चक्कर में, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हमारी इस नसीहत के नतीजे में लोग सही हो जाए, और कम से कम हमारे पास तो माजरत होगी अल्लाह के पास कि हमने तो रोकने की कोशिश की थी। ये वो सेटअप है जिसकी वजह से जो है ना उम्मत मुस्लिमा बीमार नहीं होगी, जब हम बीमार नहीं होगी तो हम शहादत का फरीज अंजाम देंगे।
बिल्कुल, आपने शोभिक बहुत ज़बरदस्त यहाँ से ये बात रखी, और मैं ये समझता हूँ कि जो शहादत हक का फरीजा है अब हम सब पे फर्ज है, फर्जियत का दर्जा है, और हमें हम सबको ये काम करना है। मैं फिर अपने ऑडियंस, हमारे साथ सारे मौजूद हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा और रिक्वेस्ट है हमारी कि आप आयत बिर को ज़रूर पढ़ें। ये 177 आयत है, और इस आयत को आप इसकी गहराई को समझें। इसमें अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए हैं अपने हकूक अल्लाह के बारे में, और जो अहकाम हकूक इबाद के बारे में हैं, फिर जो इंडिविजुअल अहकाम हैं नमाज कायम करना, ज़कात देना, और फिर ख़ास तौर पर जो आयत की जो क्लोजिंग है कि और नेक वो लोग हैं कि जब अहद करें तो उसे वफा करें, और तंगी और मुसीबत के वक्त और हक व बातिल की जंग में सब्र करें, ये हैं रास्तबाज लोग और यही लोग मुत्तकी हैं। शोभाई, हमारे ऑडियंस की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, क्योंकि जो वक्त है हमारा वो बिल्कुल पास चला जाता है हमारे इफ्तारी के वक्त में, तो लोगों को इंडिविजुअल दुआओं का वक्त नहीं मिलता, तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ इस पे आप दुआ के बारे में बात करके आज के हमारे जो पॉडकास्ट को है वो क्लोज करें, ताकि लोगों के पास अपनी इंडिविजुअल दुआओं के लिए भी वक्त औकात हों। हमारी उनसे भी दुआ रहेगी कि वो हमारे लिए भी, हमें भी अपनी इंडिविजुअल दुआओं में याद रखें और हम सब के लिए भी दुआ करें। हाँ, बस ये इसी सूरह बकरा के दूसरे हिस्से में यानी कि पारा नंबर 2 के अंदर ही दुआ के बारे में बड़ी प्यारी बात है कि जब मेरे बंदे मुझसे पूछे कि तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे मुताबिक बताओ इन्नी करीब, मैं जो है वो करीब हूँ और मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। तो इनको भी जो है वो क्या करना चाहिए, इन बंदों को भी मेरी बात को, मेरी पुकार पर लबैक कहना चाहिए और इसके नतीजे में उनको हिदायत मिलेगी। ये आइडिया उस आयत का ना, तो इसको बड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि दुआ जो है वो पढ़ने की चीज नहीं है, दुआ मांगने की चीज है। हम लोगों ने दुआ को मंत्र बनाया हुआ ना, तो इसको जरा और, अभी आप लोग इफ्तार की टेबल पर बैठे हुए होंगे, सुफरे पे बैठे हुए होंगे और जो है दुआएं करेंगे, तो दुआ को मंत्र के तौर पे ऐसी दुआ करें कि दिल से बात निकले और आसमान को हिला दे। रोजेदार की दुआ बड़ी कबूल होती है, तो ये रोजेदार की मुंह की भूख भी जो अल्लाह को बड़ी महबूब है, तो इसको जरा ध्यान में रखें और इंशाल्लाह ताला हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे पास वक्त खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह कल हम कुछ और नए नुकात के साथ हाजिर होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, शोभा आपने बहुत जबरदस्त इस आयत की तरफ, मैं चाहूंगा कि इसका पूरा तर्जुमा रखूं। आयत 186 है, इसमें अल्लाह ताला कहते हैं, बहुत जबरदस्त बात है, इस तर्जुमे के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम भी करेंगे। आयत नंबर 186 सूरह बकरा है, दूसरा तर्जुमा यह है, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब हूँ, पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूँ। अल्लाहु अकबर, पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ, लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लबैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं, ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पालें। जजाकल्लाह खैर, आप सबका बहुत शुक्रिया। शोभा आपका भी बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत मिस किया डॉक्टर फरूख को, लेकिन इंशाल्लाह कल से वो प्रोग्राम को दोबारा ज्वाइन करेंगे, तो इंशाल्लाह यहीं से हम अपने ऑडियंस के साथ को अल्लाह हाफिज कहते हैं, और इंशाल्लाह गेट ट्यून, कल दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह इसी वक्त 5:30। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।